नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आए हैं। भारत आने के उनके क्या निहितार्थ है, भारत और अबू धाबी के रिश्तों में कितनी मधुरता आएगी, दोनों देशों के बीच व्यापार क्या है, वहां के जो जैसे भारत का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसके साथ जो यूएई का इंटरफेस है, तो पैसों की लेन देन करने के लिए कौन सा समझौता हुआ, इन तमाम मुद्दों पर आइए आज हम बात करते हैं। और इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले इस जो हमारा पूरा सेशन होगा उसके टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस क्यों आए हमारे देश, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे देश अर्थात भारत आए हैं, कितने दिनों की यात्रा है, उसके क्या निहितार्थ होंगे, वह चौथी बार आए हैं, उनकी यह कौन सी यात्रा है, क्या बुलावे पर आए हैं या अपने आप आए हैं, यह हम सब जानेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। आइए इस पर हम बात करते हैं। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे, खबर क्या है, यह खबर है तो चर्चा में क्यों है, और चर्चा में क्यों है तो भारत आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, और भारत यूएई संबंधों की हालिया स्थिति के बारे में बात करेंगे, संबंधों के परिचय की बात करेंगे और आगे की राह क्या होगी। यह जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें खबर को जानेंगे, चर्चा क्यों है इस पर बात करेंगे, उसके बाद क्यों भारत आए हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इसके बारे में बात करेंगे, क्यों की वजह को जानने का प्रयास करेंगे। भारत यूएई के जो संबंध है, चाहे वो राजनयिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, कूटनीतिक संबंध हो, इन पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, और फिर भारत यूएई संबंधों के हालिया स्थिति पर देखेंगे, वर्तमान में भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या स्थिति है, कैसे संबंध है भारत के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे, और संबंधों के परिचय को जोड़ते हुए आगे की राह दोनों देशों के लिए क्या होगी इस पर हम बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहाय अराइव इन दिल्ली ऑन हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इन इंडिया। यह पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत आए हैं, इनकी जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है उनकी भारत की पहली ऑफिशियल विजिट होगा भारत के लिए। उसके बाद ही वाज रिसीव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड सेरेमोनियल वेलकम्स वाज अकॉर्डेड टू हिम। और जो क्राउन आए हैं क्राउन प्रिंस अबू धाबी के, उनका स्वागत किए हैं हमारे पीयूष गोयल साहब जो कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार के, और उनका स्वागत समारोह भी किया गया है। कहते हैं कि भारत क्यों आए हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का क्या नाम है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कितना बड़ा नाम है। जो वहां के क्राउन प्रिंस है उनका नाम क्या है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान उनका नाम है। भारत आने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि जो दोनों देश है भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में नई साझेदारियों की संभावनाओं की तलाश करना। पहले जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको तो बढ़ाएंगे, और कौन कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें भारत और यूएई मिलकर आगे बढ़ने का काम करेगा। भारत और यूएई के बीच की अगर रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की चर्चा होगी, अर्थात भारत और यूएई की जो रणनीतिक साझेदारी होगी, रणनीति क्या होगी, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, कूटनीतिक स्तर पर, वैदेशिक स्तर पर हो, या किसी वैश्विक मंच की बात की जाए, चाहे आर्थिक मोर्चे की बात की जाए, उसकी रणनीति को और बल मिलने की बात की गई है, अर्थात भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा की जा रही है। इसमें और क्या बात होंगी, व्यापार पर हम बात करेंगे, बिजनेस कैसे डेवलप करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एनर्जी पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे, कल्चर पर बात करेंगे, और ऐसे कई और हमारे जो मुद्दे हैं जो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब भारत और यूएई के बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विशेषता ध्यान केंद्रित किया गया है, उनको सेंटर में रखकर इस जो यात्रा है प्रिंस की उसको देखा जा रहा है, तो यह देखा जा रहा है, रणनीतिक समझ रहे हैं रणनीतिकार, कि भारत और यूएई के बीच व्यापार पर हम बात करेंगे, व्यापार पर ध्यान केंद्रित होगा, निवेश की बात करेंगे, एनर्जी पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, कल्चर जैसे विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही साथ जो क्राउन प्रिंस है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनका भारत दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। मध्य पूर्व स्थिति की आप देख रहे हैं, मध्य पूर्व स्थिति में तनाव की स्थिति है। तनाव से आप समझिए, पूरे देश में दो बड़े देश,
जो तकनीकी स्तर पर महान है और जो अपने क्षेत्रफल और अपने सैन्य क्षमता के आधार पर विश्व के ताकतवर देशों में उनका नाम शुमार है। मैं बात कर रहा हूँ रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन दो वर्षों से युद्ध लड़ रहे हैं। कोई भी वैश्विक संगठन उनके युद्ध को शांति समझौते में तब्दील करने के लिए उतना महत्वपूर्ण योगदान दे ही नहीं सका। बहरहाल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह कहा गया था, उसमें तो रूस पहुंचा ही नहीं कि शांति समझौते को कैसे अमली जामा पहनाया जा सके। भारत भी उस मीटिंग में था, उस जो आयोजन हुआ था समझौता आयोजन उसमें था, लेकिन भारत हस्ताक्षर करता देश नहीं था। उधर अगर हम बात करें इसराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है और यह युद्ध तो दूसरा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही बात कर रहा है कि जब विश्व में ऐसी तानातानी की स्थिति हो, विशेषकर मध्य जो हमारा मध्य पूर्व में है, मध्य पूर्व में तनाव अपने शीर्ष पर है, अपने चरम पर है, उस स्थिति में यूएई के अर्थात जो क्राउन प्रिंस का आगमन भारत में एक नई ऊर्जा को संचारित कर रहा है और देश इसको किस निगाहों से देख रहा है उसको भी समझने की जरूरत हमें होगी। भारत यूएई संबंधों की जो हालिया स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उस पर हम आइए बात करते हैं। तो यूपीआई और AANI की इंटरलिंकिंग, मैं इसी की बात कर रहा हूं। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात कर रहा है। भारत में मतलब डिजिटली रूप से हम अपने मोबाइल से, जो हमारा मोबाइल है वह हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा रहेगा और हम 2400 घंटे सातों दिन वर्ष के 365 दिन हम अपने अकाउंट में पैसे का लेन देन कर सकते हैं और अपने अकाउंट से पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म है भारत का और आनी AANI या यूएई का एक ऐसा ही पेमेंट इंटरफेस है। दोनों में इंटरलिंकिंग होगा तो हम आसानी से दुबई की करेंसी को इंडिया में भेज सकते हैं और इंडिया की करेंसी को दुबई में भेज सकते हैं। अब घरेलू जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जैसे हम रुपए की बात करें और जयवान को इंटरलिंक करने की बात कर रहे हैं, जो घरेलू डेबिट या क्रेडिट कार्ड है जिसको हम रुपए कहते हैं, और यूएई का जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है वहां का जिसको हम कहते हैं जयवान, उसको इंटरलिंक करने की बात हो रही है ताकि हम वहां के एटीएम से इंडिया में पैसा निकाल सके और इंडिया वाले रुपए कार्ड से हम यूएई में जाएं तो पैसे निकाल सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी वाला कदम इंटरलिंक होने जा रहा है। आगे दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि की बात की है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बात हो रही है, दो देशों के बीच इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पर बात हो रही है, हस्ताक्षर किए गए हैं और यह जो समझौता होगा दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। द्विपक्षीय निवेश समझौता हो रहा है अर्थात यूएई भारत में निवेश करेगा, भारत यूएई में निवेश करेगा, उस पर समझौता हो गया है। जो यूपीआई है और यूएई का इंटरफेस है, पेमेंट इंटरफेस, दोनों में इंटरलिंकिंग हुआ है। उसके बाद जो हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड रुपए है उसका वहां पे जयवान, वहां का जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है उसको इंटरलिंकिंग करने की व्यवस्था कर दी गई है। बहुत ही सुविधाजनक कार्य हो जाएगा। 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात्स की बात कर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में चौथे सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के रूप में योगदान किया है। मतलब भारत में FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला यूएई चौथा सबसे बड़ा देश है। 2022-23 की ही बात करें तो दोनों देशों के बीच $72.9 बिलियन से बढ़कर $84.05 बिलियन का व्यापार हुआ है। 2022-23 में हम लगभग $73 बिलियन का व्यापार पर थे और वही आज हम दोनों देशों के बीच अर्थात भारत और यूएई के बीच व्यापार की राशि बढ़कर कितना हो गया है, $84.05 बिलियन तक बढ़ गया है। देशों के बीच लेन देन में राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि भारतीय रुपया और दिरहम पर भी बात आगे बढ़ चुकी है। दोनों देशों के जो एक्सचेंज की बात होती है, लेन देन की बात होती है, जो हमारी नेशनल करेंसी रुपया है और वहां की जो करेंसी है उनमें एक्सचेंज की बात पर भी बहुत आगे तक हम बढ़ चुके हैं और भविष्य में एक्सचेंज पर एक बहुत ही अच्छा समझौता होने को दिख रहा है। भारत यूएई तीसरा बड़ा ऊर्जा आयातक देश है, भारत यूएई से तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पिछले साल भारत ने यूएई से पहली बार भारतीय रुपए में कच्चा तेल भी खरीदा था। पिछले साल भारत
यूएई से कच्चा तेल खरीदा था पहली बार। अब आइए हम बात करते हैं, ये तो रही हमारी व्यापारिक साझेदारी की, क्या क्या बातें हुई, वह आए तो किन किन मुद्दों पर हम लोग समझौता किए हैं, यूपीआई आनी समझौता हुआ है, डेबिट कार्ड जेमे समझौता हुआ है, इंटरलिंकिंग की बात हो रही है, व्यापार कितना हुआ है, व्यापार बढ़कर 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाला है, पहुंच गया है। अब भारत यूएई के संबंधों के हम परिचय को देखते हैं कि भारत यूएई का संबंध कब से कब तक प्रारंभ हुआ, कैसा रहा। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1972 में भारत और यूएई का अपना राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। अगस्त 2015 की अगर हम बात करें तो अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की गई। अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, वह यूएई की यात्रा पर गए। जनवरी 2017 की बात है, जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा हुई थी। 2017 में भारत का जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी था उसमें उसके अवसर पर इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को। इसे भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की गति मिली। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, उनको एक उचित सम्मान देंगे तो क्या होगा, व्यापार में बात करने के लिए हम एक दूसरे के करीब आएंगे। यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी विकसित हुई। वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यूएई में रुपे कार्ड की स्वीकृति और रुपया दिरहम निपटान प्रणाली विकसित करने की बात हो रही है। अर्थात 1972 से लेकर 2024 तक हम देख रहे हैं कि जो यूएई के साथ हमारे व्यापारिक हित कितने अच्छे हो रहे हैं, हमारे रणनीतिक मोर्चों पर बात हो रही है, जो हमारे साझेदारी का मुद्दा है, चाहे वो एनर्जी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इन सब पर हम एक साथ मिलकर काम करने पर राजी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत और यूएई के संबंध आगे कैसे होंगे, आगे की राह क्या होगी। तो आगे की राह में क्या होगा कि इस प्रकार के जो मिलन होते हैं, आने जाने वाली स्थितियां होती है, जैसे हमने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, भारत के प्रधानमंत्री की भी दुबई की यात्रा हुई थी, उसके बाद जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं उनकी भारत में यात्रा हुई है, ऑफिशियल विजिट है, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट कहा जा रहा है भी, तो इससे क्या हो गए, दोनों देशों के बीच भरोसे की स्थापना होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राथमिकता मिलेगी कि अगर हम दोनों देशों के बीच इतने मधुर संबंध है तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो क्यों ना हम एक दूसरे देश एक दूसरे के करीब आकर इस व्यापार में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि प्रवासी भारतीय और कफाला प्रणाली में भी एक तालमेल स्थापित किया जाएगा। ये रहा पूरा, अबू धाबी के प्रिंस जो है क्राउन प्रिंस, उनकी भारत की यात्रा हुई है, भारत की यात्रा के बहुत ही अच्छे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। भारत और यूएई का जो राजनयिक संबंध है वर्ष 1972 से दिनों पर दिन प्रगाढ़ होता जा रहा है, और जहां पर मध्य पूर्व में एक युद्ध की चरम स्थिति पहुंच गई है, उस समय अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत आना और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों के साथ साझेदारी करना, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करना एक बहुत ही अच्छी बात है, और भारत यूएई संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत ही एक अच्छी पृष्ठभूमि साबित हो रहा है। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।